आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया एक अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 गॉस है। परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? हमें क्या बताना है परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, परिनालिका क्या होती है हमें पता है। कब जब कोई भी हमारे पास एक खोखला बेलन होता है, अगर उसके ऊपर हम तार लपेट देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं तारों की, तो हमारा परिनालिका बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक परिनालिका बन गई। परिनालिका कैसे बनती है? कोई एक खोखला बेलन ले लीजिए, उसके ऊपर आप तार लपेट दीजिए, तो हमारा क्या हो जाता है? परिनालिका बन जाता है। ये भी अनंत लंबाई, इसकी जो लंबाई है इस परिनालिका की, क्या हमारे पास अनंत लंबाई की ये परिनालिका है, तो ये परिनालिका का हमारा अक्ष है। ठीक, ये बीच वाली जो हमारी रेखा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिनालिका की अक्ष पर मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 गॉस है। तो परिनालिका का अक्ष क्या है? हमारे पास परिनालिका का अक्ष है इसके मध्य बिंदु पर, मतलब कि इसके मध्य बिंदु पर कोई एक पॉइंट पी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है। बिंदु पी पर ये हमारा इस अक्ष पे है और परिनालिका के मध्य बिंदु पर है। तो यहाँ पे देखेंगे बिंदु पी पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें तो क्वेश्चन में दिया हमारे पास 10 गॉस। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसके किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। किनारे मतलब कि चाहे इस बिंदु पर आपको बताइए, चाहे इस बिंदु पर, परिनालिका के किनारे पर। तो यहाँ से अगर हम बिंदु की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बिंदु, एक बिंदु हम मान लेते हैं बी। तो हमें किस पे निकालना है? बी बिंदु पे और ए बिंदु पर, इसके एंड पॉइंट पे, किनारे वाले बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है। अब हमें पता है कि मध्य बिंदु पर, किसी भी परिनालिका के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, बी बराबर होता है हमारे पास म्यू नॉट एन आई। आई क्या होता है? जो तार है उसमें बहने वाली धारा। ठीक, एन क्या होता है? एकांक लंबाई में तारों की संख्या। तो यह हो गया हमारा मध्य बिंदु पर, जिसका मान क्वेश्चन में हमें दिया है 10 गॉस। अब पूछ रहा है कि बिंदु ए और बी, ये जो ए और बी कहाँ पे है? किनारे वाले बिंदु है, इन पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो अगर देखें बी एंड पॉइंट पर, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू, आधा हो जाता है बीच वाले चुंबकीय क्षेत्र के। तो किनारे पे, किसी भी परिनालिका के किनारे पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हमेशा आधा हो जाता है किसके? बीच वाले चुंबकीय क्षेत्र के। कोई भी बिंदु अगर है अक्ष पर और बीच में है परिनालिका के, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। किनारे वाले बिंदुओं पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारा म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हमें कहाँ निकालना था? एंड पॉइंट पे निकालना था। तो एंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, बी ए या बी बी की बात करेंगे, ए और बी हमारे पास क्या है? एंड पॉइंट है, किनारे के बिंदु, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 गॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारा अगर 10 गॉस है, तो परिनालिका के किनारे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आधा हो जाता है, मतलब 5 गॉस हो जाता है इस फॉर्मूले से। ठीक, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5 गॉस हो जाएगा। हमेशा याद रखिए किनारे वाले बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बीच वाले बिंदु से अक्ष पे आधा हो जाता है। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।